मध्य प्रदेश के कटनी में मरीज पर हाथ उठाने का मामला सामने आया है। दरअसल जिला अस्पताल में उपचार कराने आए मरीज पर डॉक्टर ने थप्पड़ मारकर उसे भगा दिया। आपको बता दें, मरीज को कुत्ते ने काट लिया था, जिसका इलाज कराने के लिए वो अस्पताल पहुंचा था, जहां डॉक्टर ने उसे मास्क लगाने के लिए कहा, जिसके बाद उसके मास्क नहीं लगाने की जगह रूमाल लगाने के लिए पूछा। तभी चिकित्सक ने आओ देखा ना ताओ और उसे 4 से 5 थप्पड़ जड़ दिए। गया कि सूजी लगवा दो, तो बोलते हैं मास्क लगा के आओ। तो मैं कहा सर मास्क तो नहीं है हमारे पास। वो सीधे कुर्सी से उठे और मैं बोले रुमाल लगा ले, तो वो कुछ नहीं कुर्सी से उठे, मेरे को हाथ छोड़ना मारना शुरू कर दिए। वो डॉक्टर साहब से 6 नंबर में बैठते हैं सामने। गए हम लोग पर्ची कटवा के 6 नंबर में सामने, मास्क के लिए बोले, हम लोग बोले मास्क तो नहीं है, रुमाल लगा लेते हैं। इतने में अंदर से साहब उठे सीधे हमारे चाचा को, सीधे 2-4 नहीं 5-6 झापड़ा मारे इनको, हाँ सिर्फ मास्क लगाने के पीछे।